श्री सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट व माजी महापौर श्री संदीप जोशी यांच्यातर्फे स्वातंत्र्यवीर सावरकर या चित्रपटाचे 20 फ्री स्क्रीनिंगचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्क्रीनिंगकरता अभिनेता रणदीप हुड्डा उपस्थित राहणार आहेत. या निमित्ताने श्री रणदीप हुड्डा यांची मीट द प्रेस हॉटेल सेंटर पॉइंट येथे आयोजित करण्यात आलेली होती. बघूयात काय म्हणाले ते. मेरी मुलाकात रही है और उनको भी पिक्चर बेहद पसंद आई है. उनका भी यही मानना था कि कैसे करके तुमने इतने कम समय में 53 साल की कहानी बता दी, पर उनका ये भी मानना था कि मैंने कुछ ऐसा पहलू छोड़ा नहीं जिसमें कि लोग आज जिनका लोगों को उसका उत्तर ना मिले. सॉरी जी, आपको क्या लगता है वो क्यों उनका विरोध करते हैं और आप उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक रीजन से ही सावरकर जी पे लालछनाएं लगाई जाती हैं या उनका पुतला तोड़ा जाता है. मैं उनसे कहूँगा कि इतिहास को एक बार फिर पढ़ें, एक बार अच्छी तरह से पढ़ें, उसको जानें, कहीं सुनी बातों पे ना जाएं, तो शायद वही लोग सावरकर जी से माफ़ी मांगेंगे. जी जी, दौरा भी किया मैंने, शूटिंग भी वहाँ की. हमने 15 दिन काला पानी में शूटिंग की सेलुलर जेल में, और वहाँ की अथॉरिटीज़ ने हमें अलाउ भी किया. उस वक्त लेफ्टिनेंट जो जनरल वहाँ गवर्नर थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की. रशीदा जी जो वहाँ पे इतिहासकार हैं और उसका देखभाल करती हैं, उन्होंने बहुत सारी हमें कहानियाँ भी बताई और हमें शूट करने की परमिशन भी दी. और वो बहुत ही दर्दनाक और कठिन शूटिंग भी थी हमारे लिए. और वहाँ पे रहना, वहाँ पे ये सारी आत्माएं अभी भी आपको महसूस होती हैं. बहुत ही दर्दनाक जगह हुआ है. और आप सभी लोगों को न्योता है कि शाम को 6:30 बजे आज पहला शो होने वाला है VR मॉल में सिनेपोलिस का, जिसमें सम्माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी भी उपस्थित रहने वाले हैं. आप सभी लोगों को निमंत्रण है कि आप वहाँ पे भी आइए. उसके सिवा कल से ये जो शोज है, ये शोज मेरी साइट पे, फेसबुक पे, सभी जगह पे आपको पता चलेगा कितने बजे का शो है और कौन कौन आ सकते हैं. आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद.